नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में एंटी रेबीज वैक्सीन समाप्त हो गया है। शनिवार को जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में एक सूचना चस्पा कर दिया, जिस पर लिखा था कि औषधि की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन को मांग पत्र भेजा गया है। औषधि की आपूर्ति होते होते ही इंजेक्शन लगाया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, कल तक लगा था हमारे पास जो मात्रा में था, आज से अनुपलब्ध है, आज से ख़त्म हुआ है और इसकी डिमांड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है पूर्व में ही। उनके दूरभाष पर बात भी किया गया है। उनका कहना है कि जो कंपनी सप्लाई करती है भारत बायोटेक हैदराबाद में, वहाँ से ही माल नहीं आया है डिपो में, लखनऊ के डिपो में भी नहीं है। जहाँ जो वहाँ आ जाएगा मंडे तक या ट्यूजडे तक, उसके बाद वहाँ से तुरंत यहाँ सप्लाई भेजेंगे। मंगलवार से संभावना है, जब लखनऊ के डिपो में आ जाएगा तो सबसे पहले जो है गोरखपुर में भेजेंगे।